हेलो पिला माने एबे एही वीडियो रे आमे जानिबा जे वर्गमूल कोण एवं बीजुक्तर सक्रिय विधि रे वर्गमूल किपरि ज्ञात करिवो। एही 64 जन विद्यार्थीको विद्यालय रे परेड पई बछा जाय छि। परेड रे एमानकु एमिति चालिबार अछि जेमिति प्रत्येक धाडी रे सेतिकि विद्यार्थी रहिबे जेतिकि मोट धाडी संख्या, अर्थात जदि मोट धाडी रा संख्या n तबे प्रत्येक धाडी रे विद्यार्थीको संख्या n हबा दरकार। एठार विद्यार्थीक मोट संख्या 64 दिया जाइछि। जदि विद्यार्थी माने एहिपरि एक आयताकार संरचना रे ठिया हेबे तेबे मोट धाड़ी संख्या एवं प्रत्येक धाड़ी रे विद्यार्थीक संख्या समान हेबो नाही। एहा केवल एक वर्गाकार संरचना रे ही संभव होई पारिबो। तेबे एही स्थिति रे मोट केते धाड़ी हबा दरकार आमे पूर्व वीडियो रे संख्या मानकर वर्ग करबा सिखि सारिछु। जदि गोटे धाड़ी रे एन विद्यार्थी अछंती एवं एही परि एन धाड़ी अछि तेबे मोट विद्यार्थी संख्या हेबो एन गुणन एन समान एन रो घात 2 अर्थात एन रो वर्ग जहाकु आमे एन स्क्वायर मध्य कहिथाउ। एठारे आमकु एन रो वर्ग समान 64 दिया जाइछि। हेले आमकु एठारे एन रो मान ज्ञात करिवार अछि, अर्थात एमिति एक संख्या ज्ञात करिवार अछि जहार वर्ग 64 सह समान। 64 रो वर्गमूल अर्थात स्क्वायर रूट कहिजिबो जहाकु आमे एही परि दर्शाइबा जेमिति 2 गुणन 2 समान 4 होइथाय तबे 4 रो वर्गमूल 2 हबो। वर्गमूल बा स्क्वायर रूट करिबा वर्गर प्रतिलोम सक्रिय होइथाय। एबे आमे देखिले कि 4 रो वर्गमूल 2 अटे। कोन 4 रो एई गुटिए वर्गमूल संभव? बिजुक्त 2 रो वर्ग मध्य 4 होइथाय, सेथि पई बिजुक्त 2 मध्य 4 रो एक वर्गमूल अटे। आमे कहि परिबा कि प्रकृत संख्या n रो 2टी वर्गमूल होइथाय। गोटिए धनात्मक ओ ऋणात्मक वर्गमूल एही प्रकार देखा जाय। आमकु गोटिए संख्या एन ज्ञात करिवार अछि जहार वर्ग अर्थात एन रो वर्ग 64 सह समान, अर्थात आमकु 64 रो वर्गमूल ज्ञात करिवार आवश्यकता अछि। आमे वर्गमूल विभिन्न पद्धति रु जानि परिबा, हेले एही वीडियो रे आमे कमेइबार सक्रिय उपयोग करिबा। मनेकर आमकु एक पूर्णवर्ग संख्या दिया जाइछि, एन रो वर्ग आमे जानिछो कि प्रथम एन क्रमागत विषम संख्या मानकर जोग एन रो वर्ग सह समान हुए, जहाकु आमे एही परि भाबे लेखि पारिबा एवं एहा आमे देखि पारिबा कि जेतेबेले आमे एहाकु एही वर्ग संख्या रे बिजुक्त करिबा तेबे आमकु शून्य मिलिबो। सेथिपाई आमकु दिया जाइथिबा संख्या मध्यरु 1 रु आरंभ करी क्रमानुसार सबु विषम संख्या को फेड़िबा एवं देखिबा कि केतोटी क्रमागत विषम संख्या को फेड़िबा परे शून्य मिले। सही संख्या ही पूर्णवर्ग संख्यार वर्गमूल होइथाए। जेमिति संख्या 64 रो वर्गमूल को एही परि बाहर करी देखिबा, 64 बिजुक्त 1 समान 63, पुणी 63 बिजुक्त 3 समान 60, एही परि शेषरे 15 बिजुक्त 15 समान 0 आसिबो। आमे जानेलु कि प्रथम 8 क्रमागत विषम संख्यारु 64 रु बिजुक्त करिले शेषरे 0 हेबो। एथिरु जणा पडिला जे संख्या 64 एक पूर्णवर्ग संख्या अटे, कारण एठारे 8 क्रमागत विषम संख्या को बिजुक्त करि पारिले शून्य हेबो। सेथिपई संख्या 64 रो वर्गमूल 8 हेबो। परेड रे विद्यार्थींकर 8टी धाड़ी हेबो एवं प्रत्येक धाड़ी रे 8टी विद्यार्थी रहिबे। संख्या 64 रो वर्गमूल धनात्मक 8 एवं ऋणात्मक 8 दुईटा होई पारिबो, किंतु आमे एठारे विद्यार्थींक संख्या विषय रे आलोचना करूछे तेबे एही स्थिति रे केवल धनात्मक वर्गमूल को ही निया जाई पारिबो। जदि द्वितीय दिन परेड रे
ଆଉ କିଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆସିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 144 ହୋଇଯିବ, ଯାହାକି ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣବର୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ। ତେବେ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ହେବ, ଯେମିତିକି ଧାଡ଼ିରେ ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ ହେବ। ଏହାର ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ବିଯୁକ୍ତର ସକ୍ରିୟର ବିଧିର ଉପଯୋଗ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟା 144ରେ କ୍ରମାଗତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଯୁକ୍ତ କର। ଯେଉଁ କ୍ରମାଗତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଯୁକ୍ତ କରିଲେ ଶୂନ୍ୟ ହେବ, ସେହି ସଂଖ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣନ୍ତୁ। ଏଠାରେ 12 କ୍ରମାଗତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିଯୁକ୍ତ କରିଲେ ଆମକୁ ଶୂନ୍ୟ ମିଳୁଥାଏ। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା 12 ସଂଖ୍ୟା 144ର ବର୍ଗମୂଳ ଅଟେ। ଏବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର 12ଟି ଧାଡ଼ି ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାଡ଼ିରେ 12 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ରହିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ତଥା ବିଯୁକ୍ତର ସକ୍ରିୟ ବିଧି ଦ୍ୱାରା ବର୍ଗମୂଳ ଜ୍ଞାତ କରିବା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।